नमस्कार दोस्त, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। 14 और 15 जनवरी 2020 कुंभ राशि क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति को, फिर जानेंगे फलादेश और कुछ उपाय भी। चंद्रमा 14 तारीख को सिंह राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख सुबह लगभग 11:45 तक सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। तो यह दो दिनों में चंद्रमा का गोचर काल था और किस किस भाव में थे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यह जो जानकारी है, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबा दें घंटी वाला निशान और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग देखकर भी लाभ उठा सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आपका जन्मदिन, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, जो भी कोई शुभ पर्व है आज के दिन, आपके घर वालों को, आपको सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके इन दोनों दिनों की बात की जाए तो शुरुआत बढ़िया है। 14 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी होगी, आपकी की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाला है। आपके मित्रों की जो साथ है वो आपको मिलेगा, परिवार के लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा। विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप आज के दिन कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे लगभग आपको सफलता मिलने वाली है। आपका मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप मन से काम करेंगे, आप बेमन से कोई भी काम नहीं करेंगे। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं तो बढ़िया सफलता उनको मिलेगी और वो मेहनत के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप व्यापारी हैं तो लाभ की नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। आप व्यापार के लिए अगर कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो पार्टनर मिल सकता है। कोई लोन वगैरह या कहीं से पैसे का इंतजाम चाहते थे या किसी अन्य चीज़ का इंतजाम चाहते थे, कहीं से सोच रहे थे कि क्या यहाँ से काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो वहाँ से भी आपको शुभ संकेत मिल सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो व्यापार के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। पहले से पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनरशिप जो है वो और आगे जाएगा, आप लोग बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपका तालमेल बना रहेगा और यहाँ पर नई पार्टनरशिप और पुरानी पार्टनरशिप दोनों के लिए समय बढ़िया है। आप कुछ योजनाओं में निवेश करेंगे, समझदारी से निवेश करिएगा। आपकी कुछ योजनाएं जो आपने बना रखी थी वो सफल होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। आपकी सेहत ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं रहेगी। तो सावधानी रखें, दवा इत्यादि समय पर लें, सर्दी का मौसम है, खुद का ख्याल रखें। सेहत को देखते हुए आप भोजन ग्रहण करें, ना कि जुबान को देखते हुए। जुबान जो है वो बहुत कुछ चटपटा खाना चाहती है, जुबान जो है वो बहुत कुछ खाना चाहती है जो सेहत अलाउ नहीं करती है, लेकिन हम खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, खाइएगा वही जो शरीर को अच्छा रखे, वो मत खाइएगा जो जुबान को अच्छा रखे। महिलाएं जो भी हैं उनके लिए समय बेहतर है। महिलाओं के संबंध जो है सभी से बढ़िया रहेंगे, घर परिवार में उनके संबंध बढ़िया रहेंगे, अच्छी तरीके से रिश्तों को निभाएंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। पुरुषों के महिलाओं से संबंध बेहतर रहेंगे, महिलाओं की सहायता से, महिलाओं के सहयोग से कुछ बेहतर काम उनके बन जाएंगे। महिलाएं नौकरी करती हैं या व्यापार करती हैं तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी। महिला हों या पुरुष हों, किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। धैर्य व सब्र रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें तो बढ़िया रहेगा और धैर्य और सब्र के साथ आपको अनेक छोटी बड़ी खुशखबरियाँ मिलती चली जाएंगी। आप लोगों के बीच में उठना बैठना करेंगे, लोगों के बीच में आना जाना होगा, छोटी मोटी पार्टी या छोटे मोटे फंक्शन या गेट टुगेदर इंजॉय कर सकते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कुछ को आप सिखाएंगे, कुछ से कुछ सीखेंगे। आज का दिन आपकी बात से या आपकी किसी योजना से या आपके किसी काम करने के तरीके से किसी दोस्त का या किसी अन्य का कोई बिगड़ा हुआ काम संवर जाएगा और ये बिगड़ा हुआ काम संवारने वाले होंगे आप। अब या तो आप उसको कोई रास्ता दिखा देंगे, या तो आप उसको कुछ बता देंगे, या फिर कुछ गलतियां थी जिसको आप ठीक कर देंगे, जिसकी वजह से आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, किसी ना किसी जो भी आपसे जुड़ा है उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो वहाँ से भी आपको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो वक्त अभी तक आपका बढ़िया बीत रहा है और बढ़िया ही बीतना चाहिए। जो भी लोग आपके जीवन में जुड़े हैं उनके साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं उनका आप स्वागत करिए। जो भी योजनाएं, जो भी अपॉर्चुनिटीज नौकरी व्यापार में आपको मिल रही है उनको स्वागत करिए और उनको अपनाइए और आगे बढ़िए।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद उठाते हुए आप दिन का लुफ्त उठाएंगे। उच्च शिक्षा से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, वीकेंड क्लासेस करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो उनको भी बढ़िया रास्ता दिख जाएगा। 14 तारीख को जब चंद्रमा 12 बजे के आसपास अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब थोड़ी सावधानी रखनी होगी, आपको क्रोध पर काबू रखना होगा और वाहन की गति और जुबान की गति पर नियंत्रण रखना होगा। आपको कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में बहकर, या फिर किसी दूसरे का भला होता देख वहाँ पे आप सोचते हैं कि उसका भला हो रहा है तो मैं भी ये काम कर लूँ, ऐसा मत करिएगा। सोच विचार करके करिएगा, चाहे छोटा फैसला लेना हो चाहे बड़ा फैसला लेना हो, बहुत सावधानी पूर्वक आपको फैसले लेने होंगे। आपको दूसरों के कमाए हुए धन, दूसरों की कमाई हुई संपत्ति, दूसरों की कमाई हुई जो पद प्रतिष्ठा है उसको देखकर जलना नहीं है, ना कि उसके खिलाफ आपको कोई षड्यंत्र रखना है या उसको पाने के लिए आप कोई साजिश करें। इसके विपरीत आप खुद मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मेहनत से पाएं तो बढ़िया रहेगा। दूसरे को परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे की कमाई हुई संपत्ति पर अगर आप नज़र लगा के रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो शायद सामने वाले को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, आपका वक्त जरूर खराब हो जाएगा। तो दूसरों के कमाए हुए धन को देखिए, समझिए और खुद भी उतना कमाने की कोशिश करिए। ईर्ष्या या लालच का त्याग करना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अहंकार से बचना होगा, घमंड नहीं करना है। आपका मन ज्योतिष विद्या धर्म कर्म की तरफ लग सकता है। आप विवाद करने में आगे रहेंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लड़ाई झगड़ा करने में आपका क्या कहना, आप महारत हासिल करके बैठेंगे इस समय में, यानी कि चिंगारी को आग का रूप देना कोई आपसे सीखे, ये सब नहीं करना है। महिलाओं के प्रति पुरुषों की आसक्ति अधिक होगी, तो पुरुष जो है महिलाओं के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर कुछ वासना या विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। आपका धन घूमने में, इधर उधर के कामों में व्यर्थ हो सकता है। बढ़िया लोगों को दिखावेपन में आपका पैसा खर्च हो सकता है। आप जो काम आपको नहीं करने चाहिए उन कामों में आप पैसे को खर्च करके ठन ठन गोपाल हो सकते हैं या बाद में परेशान हो सकते हैं, यानी मौज मस्ती में आप पैसे को खर्च कर देंगे और बाद में पछता सकते हैं। तो खर्चों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप लोगों को समझाएंगे, लोगों को ये कहेंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, लेकिन उस ज्ञान को खुद अपने जीवन में शायद नहीं अपनाएंगे। तो ज्ञान बांटना नहीं होता है, ज्ञान स्वयं के जीवन में भी उतारना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। अपने जीवन साथी और संतान को प्यार दें, उनके साथ बातचीत करें, उनको वक्त दें, उनके साथ चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार ना रखें। कहीं का गुस्सा घर वालों पर या घर के बड़ों पर या घर के छोटों पर ना निकालें, इन सबसे दूर रहें और वाद विवाद से बचें, झगड़ों से बचें, शांत रहें, जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। रिश्तों में ईमानदारी निभाइएगा। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जो भी रिश्ता है रिश्तों में ईमानदारी बढ़ाइए। मन दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, कुछ सोच विचार में डूब सकता है, एकांत में जाने का मन कर सकता है। मन ऐसा भी कर सकता है कि दिन दुनिया को छोड़िए, चलिए संन्यास ले लेते हैं, तो ऐसा भी मन कर सकता है। कुछ नहीं रखा इन सब में, अब तो कहीं हिमालय पर जाके तपस्या कर लें, ऐसा भी मन कर सकता है आपका। तो इन सब को हम हारना कहेंगे, और आपको हारना नहीं है, जीतना है। मन को मजबूत करना है, सब चीज़ों को मजबूत करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें मजबूती से सामना करना पड़ेगा। तो इन दो दिनों में जरूरतमंद की सहायता करें, लोगों की सहायता करें, अपनों के साथ बढ़िया वक्त बिताएं, अपनों के साथ बढ़िया उठे बैठें, उनके साथ हंसी मजाक करें, एकांत में कम बैठें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुने, अच्छा भोजन खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। घुल मिलकर रहेंगे तो कष्ट छोटे मोटे हैं, अपने आप ही निकल जाएंगे, और परेशान होंगे तो परेशान होते चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चे जो हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो सकते हैं इस तारीख में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे करके वो पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगी। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने पिताजी को कोई गिफ्ट दें, या कुछ भी जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है उनको गिफ्ट दें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। नहीं दे सकते हैं तो उनका आशीर्वाद लें। अगर उनसे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा था तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन दोनों दिन ये काम जरूर करिएगा, आपके जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ शिव जी को प्रसन्न करिए, माँ सरस्वती को प्रसन्न करिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ
करते रहिए। आज आप सभी लोग हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी का या लड्डू का जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को चढ़ाएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद वहाँ पर बैठे हुए जरूरतमंद लोगों को दें और कम से कम खुद खाएं। इतना करिए, भगवान भजन बलि की कृपा आप पर बनी रहेगी और अन्य देवी देवताओं की कृपा से और अपनी मेहनत पराक्रम और माता पिता के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।